अभी अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देखने को मिला। जिन लोगों को इतिहास का ज्ञान ही नहीं है, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं या ऐसी जानकारी रखते हैं, अपनी बुद्धि सुधार करनी चाहिए, इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रितायम योग सिद्धता विशाला द्वापरी प्रोक्ता कलौ वद्रिकाश्रम। चारों युगों में भगवान बद्री विशाल जी का इतिहास मिलता है, पुराण मिलते हैं, पुराणों में भगवान बद्री विशाल जी का नर नारायण के रूप में तमाम वर्णन देखने को मिलता है। आप ज्ञान नहीं रखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है बद्रीनाथ धाम के बारे में, जिसकी श्री बद्रीश पन्ना पंचायत कड़ी शब्दों में निंदा करता है, भर्त्सना करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को धाम की मर्यादाओं के और सनातन परंपराओं का शायद ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के वो इस प्रकार का विवादित बयान दे रहे हैं, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं और उनसे आशा करते हैं कि वो अपना बयान तुरंत वापस लीजिए। बद्रीनाथ जो धाम है वो आज का धाम नहीं है, वो सत्युग का धाम है। उसी धाम में आकर नारद जी ने तप किया, उसी धाम में आकर उद्धव जी ने तप किया, यहीं आके पांडव लोगों ने अपना शरीर को गलाया। और ये आज की भूमि नहीं है, ये सत्यु की भूमि है। जो भगवान बद्रीशाल का, जो भगवान नारायण जो आए हैं उसको तप करने के लिए बद्रीनाथ में, वो सत्युग में आए थे। और इस प्रकार सत्युग की भूमि को 808वीं शताब्दी का बताकर और उसकी मर्यादाओं को, उसकी परंपराओं को ठेस पहुंचाने का जो कार्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया है, इसकी जितनी ज़्यादा भर्त्सना की जाए वो कम है। और इस उनको इस विषय के लिए तुरंत पूरे सनातन परंपरा से, पूरी सनातन धर्म से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बद्रीश पंडा पंचायत ये मांग करता है। जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिंपल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। मैं ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ धाम सनातन, बहुत सनातन संस्कृति का बहुत पुरातन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये उस समय का मंदिर है जब बौद्ध धर्म नहीं था, महात्मा बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, तो सत्युगकालीन ये मंदिर माना जाता है। तो ये बौद्ध मठ हो ही नहीं सकता है क्योंकि उससे पहले का ये था। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर आक्रमण होते रहे और आक्रमण के कारण कई हमारे उत्तराखंड के मंदिरों में बौद्ध की मूर्ति रखी गई। अब ये ज्ञान पब्लिसिटी के लिए है, आप पब्लिसिटी करवाते हो, उसका प्रचार करते हो, तो वो उसके लिए वो बोलते हैं। देखिए, ये सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है, वो स्पष्ट रूप से यह भी प्रदर्शित करता है कि इनकी जो नीति है वो हिंदू विरोधी रही है। और आप जानते ही हैं कि इनका जो चरित्र है वो हमेशा से हिंदुओं के जो मान बिंदु हैं, हिंदुओं की जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उन पर कुठाराघात करने की, उन पर चोट पहुंचाने की और उनको किसी प्रकार से उनको दुष्प्रचार करने की, तो ये इनका जो चरित्र है इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की मैं निंदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करूँगा कि वो ग्रंथों का अध्ययन करें। केदार बाबा की इस भूमि में केदारनाथ बाबा ने दान स्वरूप बद्रीनाथ भगवान को वहाँ रहने की इजाज़त दी अपनी भूमि में। केदार भूमि है, केदार भूमि में बद्रीनाथ जी को बैठाने का काम बाबा केदारनाथ ने किया है। और उस पूरी कथा का उनको वर्णन लेना चाहिए, अपने बड़ों से उसकी जानकारी लेने चाहिए, पंडित पुरोहितों से उनको बात करनी चाहिए, तब कोई बयान देना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी में जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ।